हेलो दोस्तों, रोफिकुल डिज़ाइंस में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ डिजो गोपर्स नियो, जो एक TWS वायरलेस एयरपोड्स हैं। तो फिर चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बॉक्स के ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ डिटेल्स वगैरह दिया गया है। हाइलाइटिंग फीचर्स वगैरह भी है, वो सब आप लोग देख लीजिए। इसमें हाइलाइटिंग फीचर्स जैसे कि एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन दिया गया है और 10 mm ड्राइवर है, 28 आवर्स प्लेबैक टाइम है और बाकी सब फीचर्स भी है, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा फ्लिपकार्ट का बॉक्स, इसको मैंने फिर से बॉक्स में डाल दिया है। पहले ही अनबॉक्सिंग कर लिया था मैंने, आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से बॉक्स में डाल दिया है। तो वीडियो बनाने के लिए कोई और नहीं था, इसलिए मैंने ही एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो इसके बॉक्स के अंदर ये डीजो का एयरपोर्ट्स का बॉक्स मिला और एक बिल मिला जिसमें प्राइस लिखा हुआ है 1599। इसका MRP है 3499 और सेल की वजह से मुझे 1599 में मिला, वरना 2000 के ऊपर ही मिलता है। ये कुछ वारंटी डिटेल्स और अंदर और एक पेपर है, इसमें कैसे यूज़ करना है, टच कंट्रोल्स वगैरह लिखा हुआ है। डीजो गोपर्स नियो। तो फिर आइए केस को देखते हैं। एकदम अंडे जैसा गोल केस है और ये केस एकदम बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, आसानी से स्लिप हो जाएगा। टाइप सी के फास्ट चार्जिंग के साथ आता है ये केस। और इसमें सामने की तरफ एक इंडिकेटर लाइट है और ऊपर डीजो का ब्रांडिंग है। ये रहा इसका चार्जिंग पोर्ट। तो फिर आइए इसको खोल के देखते हैं। तो खोलने के बाद इसका इंडिकेटर लाइट जल गया है ग्रीन कलर का, तो इसको बाहर निकलते हैं। तो इसमें ऊपर की तरफ कुछ पेपर वगैरह पेपर लगाया हुआ है प्लास्टिक, और इसका दो पिन है चार्जिंग के लिए, बॉक्स में चार्ज होने के लिए। तो इसको पील करने को बोला गया है यूज़ करने से पहले। तो इन पोर्ट्स को साइड में रख के बॉक्स को देखते हैं, मतलब ये इसका केसिंग को केस को देखते हैं, केस में क्या क्या है। तो इस केस में केस के साथ प्लेबैक टाइम है हेडफोन्स का 28 आवर्स और बिना केस के प्लेबैक टाइम है 8 आवर्स। तो काफ़ी अच्छा है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है और ये ट्रांसपेरेंसी मोड के साथ आता है और गेम मोड के साथ भी आता है, मतलब बहुत सारे फीचर्स भर भर के दिया हुआ है। तो फिर चलिए इसको मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो इसको रियलमी लिंक ऐप के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जो ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें देखिए नॉइज़ कंट्रोल है, नॉइज़ कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉर्मल मोड, और नीचे साउंड इफ़ेक्ट्स भी है, बेस डायनेमिक वगैरह। और यहाँ पे इन्हेंसर भी है, वॉल्यूम इन्हेंसर, और नीचे की तरफ गेम मोड वगैरह भी है। मतलब इस प्राइस में फीचर्स एकदम भर भर के दिया है, जो 10-12 हज़ार के TWS में होता है। एकदम उनके जैसा तो आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, लेकिन मतलब फीचर्स तो दिया है और कुछ फीचर्स तो बहुत अच्छे काम करते हैं। यहाँ पे बटन्स का सेटिंग्स वगैरह है, आप लोग कोई भी सेटिंग्स रख सकते हैं, मतलब ये आप एडिट कर सकते हैं, डबल टैप में क्या करेंगे, ट्रिपल टैप में क्या करेंगे, टच एंड होल्ड में क्या करेंगे। दोनों साइड के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा बढ़िया सिस्टम है। और इसमें हम गेमिंग टेस्ट भी करेंगे, लेटेंसी कितना होता है नहीं होता है, तो गेमिंग टेस्ट करके देखेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डीजो गोपर्स कनेक्ट कर लिया है और अभी मैं गेमिंग टेस्ट करूँगा BGMI खेल के। तो फिर चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। तो अभी मैंने गेम स्टार्ट कर दिया है, चलिए देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे मैंने गेम मोड ऑन कर लिया है और एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन कर लिया है।
तो देखते हैं ट्राई करके क्या होता है। गोली चलने पे ही पता चलेगा साउंड कैसा आता है। अरे हाँ यार, ये तो बहुत कमाल का है, मतलब लेटेंसी एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये लोग क्लेम करते हैं 88 ms, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि बहुत कमाल का लेटेंसी मैनेजमेंट है इन लोगों का। मतलब आज तक मैंने जितना भी एयरपॉड्स या फिर नेकबैंड वगैरह वायरलेस हेडफोन यूज़ किया है उनमें तो लेटेंसी मिलता ही है, लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कम प्राइस में कैसे दे सकते हैं ये लोग, मतलब लेटेंसी एकदम पता ही नहीं चल रहा है। एकदम हार्डकोर गेमर लोगों को शायद पता चल जाएगा, लेकिन मुझे तो एकदम ही पता नहीं चल रहा है, मतलब एकदम कमाल का है। और ये नॉइस कैंसिलेशन जो है ना, ये थोड़ा बहुत काम करता है। मतलब कैसे काम करता है मैं आप लोगों को बोलता हूँ। ये बाहर का नॉइस तो सुनाई देगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो लोग बाहर आसपास लोग बात कर रहे हैं तो वो बात एकदम कम आता है। मतलब बिना नॉइस कैंसिलेशन का जितना सुनाई देगा, नॉइस कैंसिलेशन यूज़ करने के बाद एकदम कम सुनाई देता है। मतलब लेकिन ये दूसरे चीज़ों का आवाज़ थोड़ा आता है, लेकिन बातों का आवाज़ एकदम सुनाई नहीं देता है। तो भाई ये हेडफोन्स TWS का तो भाई ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन तो एकदम कमाल का है। और जो लेटेंसी सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे इसका, लेटेंसी भाई एकदम कमाल का है। आप लोगों को अगर ये 2200 में भी मिलता है तो आप लोग ले सकते हैं, अगर छोटा मोटा गेमर हो आप लोग और सस्ता गेमिंग करना चाहते हो और वायरलेस हेडफोन यूज़ करना है तो बिल्कुल ले सकते हो, मैं गारंटी लेता हूँ। आप लोगों को ये एकदम आसानी से गेमिंग कर सकते हो, कोई लेटेंसी वगैरह नहीं मिलेगा। मतलब मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे इतना बढ़िया लेटेंसी मैनेजमेंट किया है डीजो ने। भाई इतना कम प्राइस में कैसे दे सकते हैं, मैं सिर्फ वही सोच रहा हूँ। जो भी है एकदम कमाल का है। चलिए अभी थोड़ा गेम के ऊपर फोकस करते हैं। 6 बंदे तो मार दिए मैंने, मैं इतना कुछ अच्छा नहीं खेल पाता हूँ, तो कुछ एक मार लेता हूँ बंदे। पता नहीं मैं आज इतना अच्छा कैसे खेल रहा हूँ, मतलब मेरे हिसाब से तो यही बहुत अच्छा है क्योंकि मैं इतना भी नहीं खेल पाता हूँ गेम में। तो फिर चलिए गेम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई मेरा 14 किल भी हो गया है, आगे देखते हैं क्या होता है। मतलब TWS का अनबॉक्सिंग में मैं गेमिंग का वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा लग रहा है बना के। और ये 15 किल हो गया मेरा, ये बढ़िया था, विक्ट्री मिल गया, बढ़िया चिकन डिनर मिल गया। सॉरी यहाँ पे चिकन डिनर नहीं होता है, मेरे को MVP भी मिल गया, बढ़िया। मैं अभी नमस्ते करने वाला हूँ मैं। मतलब गेमिंग करके बहुत मज़ा आया इसमें, तो आप लोग ज़रूर ले सकते हो अगर आपको गेमिंग करना है वायरलेस हेडफोन से, तो मैं इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बाकी 2-3 हज़ार का जो दूसरा होता है उसके सामने ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप लोगों ने गेमिंग टेस्ट वगैरह देख लिया और इसका नॉइस कैंसिलेशन और गेम मोड वगैरह भी देख लिया, तो ये काफ़ी कमाल का है।
मतलब नॉइस कैंसिलेशन और गेम मोड वगैरह मैंने टेस्ट किया, आप लोगों को थोड़ी ना पता चलेगा, लेकिन आप लोग यकीन कीजिए बहुत कमाल का TWS है। और आप लोगों को पता ही है मेरा चैनल बहुत छोटा है और इसको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा, तो मैं खुद के पैसे से ये TWS खरीद के टेस्ट किया है मैंने, तो एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, आप लोग ले सकते हैं अगर गेमिंग करना चाहते हैं या फिर फ़ोन में बात करने के लिए चाहिए, तो एकदम बेस्ट बोल सकता हूँ मैं इस प्राइस रेंज में, मतलब 5000 के अंदर भी आप लोग बेस्ट TWS बोल सकते हैं इसको मेरे हिसाब से। और एक बात दोस्तों, ये डीजो ब्रांड जो है इसको बहुत लोग रियल मी का सब ब्रांड बोलते हैं, लेकिन ये सब ब्रांड नहीं है, ये रियल मी का टेक लाइफ सिस्टम का एक पार्टनर जैसा बोल सकते हैं, जो स्मार्ट एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं रियल मी के साथ मिलके। क्योंकि ये एक अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू का वीडियो था, तो अभी कॉन्क्लूजन का वक्त है, तो कॉन्क्लूजन तो सीधा साधा है, आप लोग ज़रूर ले सकते हैं, अगर 2000 या फिर 2200 रुपये के अंदर भी मिलता है तो आप लोग इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, मेरा गारंटी है आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा तो किस्मत अच्छा था कि मुझे 1600 में मिल गया, शायद आप लोगों की किस्मत उतनी अच्छी ना हो। अभी तो जब मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी तो इसका प्राइस 1600 ही है, मतलब 1600, तो आप लोग जाइए और चेकआउट कीजिए, फ्लिपकार्ट में 1600 में आप लोगों को मिल जाएगा।